हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे मेघा फैशन शी लव्स पे। तो आज है 26 जनवरी, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हम हैंग आउट करने जा रहे हैं साइबर हब जो कि है गुड़गांव में, और मेट्रो से हम जाएंगे बाद हम मेट्रो से ही वहां पे जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ साइबर हब में क्या क्या एंजॉय करने के लिए है, क्या क्या फूड है और कैसे घूमेंगे वहां पे, हम पूरा आपके साथ रहूंगा। फ्रेंड्स, आज मैंने घूमने जाने के लिए अपना ड्रेसअप लिया है। मैंने ब्लैक कोट कैरी किया है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और अंदर मैंने येलो लेमन कलर का स्वेटर पहना है जिसके साथ की मैंने नेल पेंट कैरी की है। ब्लू जीन्स पहनी है और नीचे बेज कलर के बेलीज पहनी है। तो आप भी अगर कहीं घूमने जाते हैं तो ये वाला लुक ले सकते हैं। और मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं साइबर हब और ये वहाँ की एंट्री है। एंट्री में ही ये बहुत सुंदर लगा मुझे, ऊपर जो शैंडलियर्स लगे हुए हैं, लाइटिंग लैम्प्स लगे हुए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और बहुत ही सुंदर लगा मुझे। चलिए आगे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो मुझे एम्बियंस लग रहा है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कैफ़ेज़ भी हैं, हल्दीराम्स भी है, मतलब रीज़नेबल प्राइसेस में आप यहाँ पे खा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे खाना है, अच्छे स्टैंडर्ड्स में खाना है, तो उस तरीके के भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, लाइक फर्जी कैफ़े, लाइक थियोज़ के केक्स बहुत अच्छे होते हैं, यम यम चा भी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको चाइनीज़ बहुत अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बच्चों की ट्रेन भी है जो कि मुझे बहुत प्रिटी लगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे ये आइसक्रीम पार्लर है जो कि एक स्कूटर की तरह है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया और हमने यहाँ से आइसक्रीम भी खाई तो बहुत टेस्टी थी। Thank you.
लुक एट दिस, ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्लासिकल सा लग रहा है। और यहाँ पे बाहर भी सिटिंग थी और इसके अंदर जाके भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अंदर पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत क्लासिकल सा है। देखिए शोले का पोस्टर लगा हुआ है, लाइव म्यूज़िक, ये सब देखने में बड़ा बहुत अच्छा सा लग रहा था। और मतलब बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे टच था और हम लोगों को ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। शाम हो चुकी है और चाय कॉफ़ी का बहुत मन था, तो हम लोग आ गए हैं हल्दीराम्स। वहाँ पे हमने लिया वड़ा पाव जो कि बहुत यम्मी था, हमने ली चाय कैपेचिनो कॉफ़ी और हमने लिया मूंग दाल चीला जो कि बहुत ही टेस्टी था। It's looking great. So guys, this is the look of Cyber Hub at night. Looks amazing and we are enjoying a lot. ये चल रही है, आगे तो बना रही है। तो फ्रेंड्स यही है वो छोटी सी प्यारी सी ट्रेन जो कि यहाँ पे राउंड लेती है। यहाँ पे इसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं। बहुत ही क्यूट सी ट्रेन लगी है मुझे, पूरी राउंड दिलवाते हैं ये हब का। और 150 rupees पर हेड इसकी टिकट है, आप इसमें जाके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा,
फ्रेंड्स ये है जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ये पूरा एरिया ऐसे यहाँ पे बना हुआ है स्टेडियम टाइप, और यहाँ पे सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और हमने 26 जनवरी को यहाँ पे विज़िट किया था, तो यहाँ पे बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरा अरेंजमेंट हुआ हुआ था, और बच्चे कर भी रहे थे डे में, और अभी भी काफ़ी सारे बच्चे थे जो यहाँ पे ये इसका एंजॉय कर रहे थे। ज़्यादा इन्जॉय किया साइबर हब में। आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कम अगेन, स्टे ट्यून्ड विद मेघा फैशन, शी लव्स, बाय बाय।